स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं कुमार अर्पित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं निकोलो मैकियावेली की पॉलिटिकल फिलॉसफी। मैकियावेली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें उनके द्वारा लिखी गई इन दो बुक्स में देखने को मिलती है, द डिस्कोर्सेस और द प्रिंस। इस वीडियो में हमारा टारगेट होगा मैकियावेली के द्वारा लिखी गई इस किताब द प्रिंस को समझने की। तो द प्रिंस एक किताब है जो कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, शासन कला के ऊपर। मैकियावेली अपने इस किताब में बताते हैं कि राज्य में शासन को कैसे चलाया जाए। ठीक है, मैकियावेली यहाँ पर स्टेट की कोई थ्योरी ऑफर नहीं करते, वो ये नहीं बताते कि राज्य होता क्या है। जैसे कि बाकी फिलोसोफर हमने देखा, प्लेटो, एरिस्टोटल, वो इस बात पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, लेकिन मैकियावेली इस बात पर फोकस करते हैं कि राज्य को चलाया कैसे जाए, राज्य को संरक्षित करके रखा कैसे जाए। ठीक है, ये किताब एक हैंडबुक, एक एडवाइस बुक के फॉर्म में है, जहाँ पर मैकियावेली जो है वो प्रिंस, रूलर, किंग को कुछ एडवाइसेस दे रहे हैं। एडवाइस दे रहे हैं किस लिए? मैकियावेली अपने प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि पावर को कैसे अटेन किया जाए, शक्ति, शक्ति को कैसे हासिल किया जाए, और पावर को अटेन करने के बाद उसे मेंटेन करके कैसे रखा जाए। ठीक है, मैकियावेली कहते हैं अपने प्रिंस से कि एक राजा का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है अपने राज्य, अपनी शक्ति और अपने सत्ता को संरक्षित रखना, कायम रखना, बचा के रखना, यही एक राजा का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए एक राजा, एक प्रिंस किसी भी हद तक जा सकता है। वो कोई भी साधन, कोई भी मीन्स वो अपना सकता है, चाहे वह मीन्स मॉरल हो या इमॉरल हो, गुड हो या ईवल हो। ऐसी बात करते हैं मैकियावेली, कुछ इस तरह के एडवाइस देते हैं अपने अपने प्रिंस को। तो मैकियावेली के द्वारा दिए गए जो एडवाइसेस हैं वो काफ़ी थोड़ी थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि वो कहते हैं कि राजा के लिए ईवल, गुड कुछ नहीं होता। वो वायलेंस कर सकता है, ट्रेचरी, कनिंगनेस, कोई भी माध्यम, कोई भी मीडियम, कोई भी मीन्स वो यूज़ कर सकता है अपने इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, अपने पावर, अपने स्टेट को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो मैकियावेली ये जो बातें हैं ये क्यों कह रहे हैं और उनके इन बातों का असली मतलब क्या है, ये हमें समझना है। और इस बात को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बना ले, एक संदर्भ बना ले, जिस संदर्भ में मैकियावेली अपने इस किताब द प्रिंस की रचना करते हैं। तो हमें जानना होगा मैकियावेली के जीवन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में जानना होगा, उनके टाइम के बारे में जानना होगा, और जिस स्पेस, जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र के बारे में जानना होगा। तो मैकियावेली का जन्म 1469 में फ्लोरेंस में हुआ, जो कि इटली में है। आज की इटली और उस वक्त की इटली, 15th सेंचुरी की इटली और आज 21st सेंचुरी की इटली में काफ़ी अंतर है। आज इटली एक यूनिफाइड, एक यूनाइटेड कंट्री की तरह हमें देखने को मिलती है, लेकिन उस वक्त 15th सेंचुरी में इटली ऐसी नहीं थी। इटली जो थी वो डिफरेंट सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी और फ्लोरेंस भी उन सिटी स्टेट्स में से एक था। सिटी स्टेट्स मतलब डिफरेंट प्रिंसिपैलिटी, डिफरेंट किंगडम्स, ठीक है, जो खुद एक कंट्री की तरह है। ठीक है, तो इटली डिफरेंट सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी और ये कुछ सिटी स्टेट्स के नाम हैं जो मेजर सिटी स्टेट्स थे, उनमें से एक फ्लोरेंस था, नेपल्स, मिलान, वीनस और कुछ रीजन जो पोप के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। लेकिन ये जो सिटी स्टेट्स थी, ये जो आप देख रहे हो मैप में इटालियन पेनिनसुला, इस इटालियन पेनिनसुला में जितनी भी सिटी स्टेट्स थी ये हमेशा आपस में लड़ती रहती थी, हमेशा एक संघर्ष की स्थिति होती थी, सत्ता को लेकर, टेरिटरी को लेकर, शक्ति को लेकर आपस में हमेशा लड़ाई होता रहता था इन सिटी स्टेट्स के बीच में। बस इतना ही नहीं, ये जो इटालियन पेनिनसुला की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस इंटरनल पॉलिटिक्स में बाकी के जो बड़े राज्य थे, बड़े किंगडम्स थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये भी हमेशा इंटरफेयर करने की कोशिश किया करते थे। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि इटालियन पेनिनसुला की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो काफ़ी अनस्टेबल थी, केओटिक थी, स्टेबिलिटी नहीं था। ठीक है, और इसी अनस्टेबल और केओटिक कंडीशन में, कॉन्टेक्स्ट में मैकियावेली का जन्म होता है और वो इटली, और सॉरी, फ्लोरेंस में पलते और बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये सिचुएशन था जिस सिचुएशन में मैकियावेली बड़े हो रहे थे, अपने चारों ओर इस खायोटिक, इस अनस्टेबल पॉलिटिकल डिसऑर्डर को वो देख रहे थे, ठीक है। और इसीलिए वो हमेशा इस बारे में सोचते थे कि कैसे कैसे पूरे इटली को यूनिफाई किया जाए, एक यूनाइटेड नेशन की तरह कैसे बनाया जाए। ब्रिटेन और फ्रांस जो ऑलरेडी एक नेशन स्टेट की तरह इमर्ज कर चुके थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस की तरह इटली को कैसे बनाया जाए, ये बात हमेशा मैकियावेली के दिमाग में रहती थी, ठीक है। 1494 तक फ्लोरेंस में एक शाही परिवार का शासन था, 1494 तक एक शाही परिवार जिसका नाम था मेडिची, मेडिची फैमिली का शासन था फ्लोरेंस में 1494 तक। लेकिन 1494 में एक तख्ता पलट होती है फ्लोरेंस में, मेडिची फैमिली से उनका शासन छीन लिया जाता है, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाता है, और उनके जगह पे कौन आता है फ्लोरेंस में, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाता है फ्लोरेंस में। 1494 तक फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली का शासन था, मेडिची फैमिली को सत्ता से बाहर करके 1494 में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है फ्लोरेंस में, ठीक है। इस रिपब्लिकन गवर्नमेंट के आने के ठीक 4 साल के बाद मैकियावेली को इस गवर्नमेंट में एक पब्लिक पोस्ट ऑफर किया जाता है, उन्हें एक जॉब ऑफर किया जाता है सेकंड चांसलर के रूप में। ये एक सिविल सर्विस का पोस्ट है, इस पोस्ट पे मैकियावेली को अपॉइंट किया जाता है। तो 29 इयर्स के एज में मैकियावेली पब्लिक लाइफ में एंटर करते हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। बाद में मैकियावेली के टैलेंट को देखते हुए उन्हें 10 ऑफ वॉर कमिटी का हिस्सा बना दिया जाता है। ये 10 ऑफ वॉर कमिटी क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जैसा है, फॉरेन अफेयर जो मिनिस्ट्री है जो हमारी, ये एक डिपार्टमेंट है, एक कमिटी है जहाँ पर फॉरेन अफेयर्स जो एक्सटर्नल मैटर्स है, विदेश नीति, इन सारी बातों को डील किया जाता था इस कमिटी के द्वारा। तो मैकियावेली को इस कमिटी का मेंबर बना दिया जाता है। इस कमिटी का मेंबर बनने के बाद मैकियावेली को एक डिप्लोमैट के रूप में, एक राजदूत के रूप में कई राज्यों में, कई किंगडम्स में भेजा जाता है, इटली और इटली के बाहर भी। तो लगभग मैकियावेली 14 वर्षों तक एक डिप्लोमैट के रूप में रिपब्लिकन गवर्नमेंट को अपना सर्विस ऑफर करते हैं, ठीक है। और इस दौरान वो डिफरेंट किंगडम्स में ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल ही नहीं करते, वो डिफरेंट किंगडम्स में हो रहे पॉलिटिक्स को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं। अपने 14 वर्ष के डिप्लोमेटिक कैरियर के दौरान मैकियावेली डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, पॉलिसीज़ को बनते हुए, उन्हें इम्प्लीमेंट होते हुए काफ़ी नज़दीक से देखते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस था मैकियावेली का डिप्लोमेट के रूप में, ये एक्सपीरियंस मैकियावेली के पॉलिटिकल फिलॉसफी को शेप करने में काफ़ी अहम योगदान प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैकियावेली का कैरियर है वो एक एंड पे आ जाता है 1512 में, 1512 ईस्वी में मैकियावेली का ये जो करियर है, ये जो पब्लिक करियर है एज अ डिप्लोमैट, वो एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1512 ईस्वी में फ्लोरेंस में दोबारा मेडिची फैमिली की वापसी होती है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और फिर से मेडिची फैमिली सत्ता में काबिज हो जाते हैं। और इस बार मेडिची फैमिली जो है वो स्पेनिश आर्मी की मदद से रिपब्लिकन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं और फ्लोरेंस में दोबारा सत्ता हासिल कर लेते हैं। और ये जो इंसिडेंट है ये मैकियावेली के जीवन को बदल कर रख देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिची फैमिली का शासन आने के बाद जो सबसे पहला काम ये जो नई सरकार है वो करती है कि जो पुरानी सरकार में जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी लोग काम कर रहे थे, उन्हें उनके पद से हटाना। तो सबसे पहले मैकियावेली को उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती, मैकियावेली को एक शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये शक क्या था कि मैकियावेली जो रॉयल फैमिली है, जो मेडिची फैमिली है, उनके अगेंस्ट हो रहे कॉन्स्पिरसी का, षड्यंत्र का एक हिस्सा है। इस शक के बिना पर, इस सस्पिशन के बेसिस पर मैकियावेली को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट ही नहीं कर लिया जाता, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें कई दिनों तक, मैं ये कहूं कि कई महीनों तक टॉर्चर किया जाता है। लेकिन फाइनली मैकियावेली इनोसेंट प्रूव होते हैं, निर्दोष साबित होते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या थी कि मैकियावेली अब
पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा पब्लिक लाइफ से, अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये कंडीशन के साथ मैकियावेली को छोड़ दिया जाता है, तो मैकियावेली को मजबूर किया जाता है कि वो फ्लोरेंस के सिटी लाइफ से दूर चले जाएं। और मैकियावेली क्या करते हैं, वो अपने एंसेस्ट्रल विलेज, अपने पुश्तैनी गांव में वो चले जाते हैं और फिर अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताते हैं। तो एक फोर्स्ड रिटायरमेंट इम्पोज कर दिया जाता है मैकियावेली के ऊपर, और इस फोर्स्ड रिटायरमेंट में मैकियावेली के पास अब कोई काम नहीं था, तो अपने इसी लेजर के पीरियड को, अवकाश के अवधि को मैकियावेली यूज करते हुए लिखना शुरू करते हैं। 1513 के मिड के बाद वो लिखना शुरू करते हैं, और वो द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस, ये दो किताबों को वो लगभग साथ में लिखना शुरू करते हैं, लेकिन द डिस्कोर्स पर अपना काम बंद करके वो प्रिंस पर पूरा फोकस करते हैं और फिर इसे कंप्लीट करते हैं लगभग 3 महीनों में। ये बहुत ही छोटी सी किताब है द प्रिंस, 90 पेजेस की किताब है, बहुत शॉर्ट किताब है, और इसे वो कंप्लीट करते हैं। तो अब जो है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैकियावेली अपनी किताब द प्रिंस में कौन कौन सी बातें कहते हैं, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स वो प्रेजेंट करते हैं, किस किस तरह के एडवाइस वो देते हैं अपने रूलर, अपने किंग द प्रिंस को। तो शुरुआती चैप्टर्स में मैकियावेली क्या करते हैं, वो स्टेट को एक तरह से, स्टेट का टाइप्स वो बताते हैं। जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उनमें मैकियावेली कहते हैं कि स्टेट, राज्य दो प्रकार के होते हैं, चाहे राज्य कहीं पर हो, स्टेट कहीं भी क्यों ना हो, वो दो प्रकार के होते हैं। राज्य या तो एक रिपब्लिक होगा या तो प्रिंसिपैलिटी। ये बात मैकियावेली द प्रिंस के शुरुआती चैप्टर्स में कहते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि स्टेट कैन ईदर बी अ रिपब्लिक और अ प्रिंसिपैलिटी। रिपब्लिक मतलब एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जहां पर जो सरकार है उसे जनता ने चुना है, जनता ने चुना है, पॉपुलर रूल है। और मैकियावेली कहते हैं कि एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बारे में मैंने अपनी जो दूसरी किताब है द डिस्कोर्सेस, उसमें काफी काफी लेंथ तक, काफी विस्तृत रूप में चर्चा की है। तो इस किताब में, दैट मीन्स द प्रिंस में, मैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। इस किताब में मैं किस के बारे में चर्चा करूंगा, प्रिंसिपैलिटीज के बारे में चर्चा करूंगा, जो दूसरी तरह की स्टेट होती हैं, प्रिंसिपैलिटी, जो किंगडम्स, मोनार्की, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंसिपैलिटी भी दो तरह की होती है, एक हेरिडिटरी और एक न्यूली एक्वायर्ड। हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत, वंशानुगत, जहां पर राजा और राजा का उसका बेटा, फिर राजा, राजा का बेटा, फिर राजा, इस तरह से एक डायनेस्टिक रूल, एक परिवारवाद जो हम कहते हैं, वो हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटी। मैकियावेली कहते हैं कि ये जो हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटी होती है, यहाँ पर जो प्रिंस होगा, जो राजा होगा, उसके लिए शासन चलाना उतना कठिन नहीं है, काफी आसान है, वो आसानी से अपना शासन चला सकता है। तो वो कहते हैं मैकियावेली कि मेरा ये जो प्रिंस है, वैसे रूलर वैसे वैसे रूलर्स को डेडिकेटेड नहीं है, जो हेरिडिटरी किंग्स हैं उनको डेडिकेटेड नहीं है। मैकियावेली कहते हैं मैं फोकस करूंगा वैसे प्रिंस के ऊपर जिन्होंने अभी अभी नई टेरिटरी को एक्वायर किया है, ठीक है। तो न्यूली एक्वायर्ड प्रिंसिपैलिटी, दूसरी तरह की प्रिंसिपैलिटी होती है, वो क्या, न्यूली एक्वायर्ड प्रिंसिपैलिटी। मैकियावेली कहते हैं कि मैं जो एडवाइस दूंगा वो उन प्रिंसेस के लिए है जिन्होंने अभी नई टेरिटरी को एक्वायर किया है, नई प्रिंसिपैलिटीज को एक्वायर किया है। तो ये एडवाइस, मेरा ये एडवाइस उन नए प्रिंसेस के लिए है, और मैं उन्हें बताने जा रहा हूं कि पावर को कैसे एक्वायर किया जाता है और पावर को कैसे मेंटेन करके रखा जाता है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर है द प्रिंस का। और मैकियावेली बहुत ही क्लियरली अपने बुक में लिखते हैं कि ये जितने भी एडवाइसेस हैं ये न्यू प्रिंसेस को मैं दे रहा हूँ, हेरिडिटरी प्रिंसेस को नहीं। तो ये बात आपके लिए स्पष्ट होनी चाहिए। और एक और बात, मैकियावेली अपनी जो भी बातें कहेंगे, जो भी एडवाइसेस देंगे, तो उनका जो एक बेसिक एजम्पशन होगा, कोई भी बात अगर हम कहते हैं तो किसी आधार पे कहते हैं, पहले हम किसी चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी ही होती हैं। तो मैकियावेली का जो बेसिक एजम्पशन है वो है ह्यूमन नेचर के ऊपर उनका विचार। तो ह्यूमन नेचर को वो एक एज्यूम कर लेते हैं कि मानव का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, ये एक उनका बेसिक एजम्पशन है, और इसी एजम्पशन के आधार पर वो अपनी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को बिल्ड करेंगे। तो मैकियावेली का जो व्यू था ह्यूमन नेचर, वो काफी पेसिमिस्टिक था, काफी निराशावादी था, काफी उदासीन था। मैकियावेली कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो फंडामेंटली बैड होते हैं, बैड बाय नेचर, सेल्फिश होते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं बस,
आप उनका कोटेशन को देखिए, फॉर इट इज गुड जनरल जनरल रूल अबाउट मैन दैट दे आर अनग्रेटफुल, फिकल, लायर एंड डिसीवर, फियरफुल ऑफ डेंजर एंड ग्रीडी ऑफ गेन। ये एक बेसिक असम्पशन मान लेते हैं कि जो मैन होते हैं, जो व्यक्ति होता है, जनरली वो सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, फिकल, अस्थिर होता है, आज इधर कल उधर, मतलब स्टेडफास्ट नहीं होता, अटल नहीं होता, इगोइस्टिक, इगोइस्टिक अपने बारे में सोचता है, और अगर जहाँ पे डेंजर दिखता है, जहाँ पे परेशानी कठिनाई दिखती है, वहाँ से वो भाग जाता है। तो ये एक बेसिक एजम्पशन है मैकियावेली का कि ह्यूमन नेचर जो है वो बेसिकली बैड होता है। अब देखिए इसी एजम्पशन से वो अपनी पूरी थ्योरी को कैसे बिल्ड करेंगे, अपनी पूरी पूरी किताब को वो कैसे आगे ले जाएंगे। तो मैकियावेली कहते हैं कि जहाँ पर ह्यूमन नेचर बैड है, जहाँ पर लोग सेल्फिश हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, बस अपने लिए जीते हैं, तो वहां पर क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन की स्थिति होगी, हमेशा एक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का माहौल होगा। लोग हमेशा अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहेंगे दूसरों के इंटरेस्ट की तुलना में। उनका हमेशा ये लक्ष्य होगा कि मैं अपने हितों की पूर्ति कैसे करूं, मैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कैसे करूं, ये उनका बेसिक बेसिक और मेन एजेंडा होगा हर व्यक्ति का। तो जब ह्यूमन नेचर बैड होता है तो स्थिति क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन की। और ऐसी स्थिति में एक इंडिविजुअल के लिए, जहां पर हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, तो एक इंडिविजुअल के लिए, एक व्यक्ति के लिए सिक्योरिटी और सर्वाइवल, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके जीवन के लिए एक रिस्क बन जाता है, खतरा बन जाता है। आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कैओटिक होगी, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन का जो कंडीशन होगा, सिचुएशन होगा, वो कैओटिक होगी, और ये सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए एक रिस्क पैदा करेगी। और हम यूं कहें तो इस तरह का जब सिचुएशन होगा, सोसाइटी होगा, जहां पर लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं, तो ये एक एनार्किक सिचुएशन होगा, एक डिसऑर्डर्ड सिचुएशन होगा, जहां पे ऑर्डर नहीं होगा, एनार्की। एनार्की का मतलब सरकार का अभाव नहीं है, एनार्की का मतलब है डिसऑर्डर, अराजक का माहौल होगा, डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो मैकियावेली कहते हैं, और आपको मैं बता दूं कि ये जो एनार्की का जो वो बात है, वो रिजेंबल करता है इटली का जो सिचुएशन था 16th सेंचुरी में, वो भी काफी एनार्किक था। तो आप देख सकते हैं कि वो प्रभावित हो रहे हैं मैकियावेली, इटली के सिचुएशन से, पॉलिटिकल कंडीशन से वो प्रभावित हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैकियावेली क्या चाहते हैं, कि पूरा का पूरा इटली जो है वो यूनिफाइड हो जाए, एक नेशन स्टेट की तरह, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूनिफाइड है, उस तरह इटली भी यूनिफाइड हो जाए, ये मैकियावेली चाहते हैं। तो मैकियावेली कहते हैं कि इस एनार्की को, इस अराजकता को खत्म करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए, और समाज को संरक्षित करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत है, मैकियावेली कहते हैं एक प्रिंस की ज़रूरत है, एक राजा की ज़रूरत है, एक डिस्पॉट की ज़रूरत है, एक टायरेंट की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि मैकियावेली जिस प्रिंस की बात करते हैं, नो मैटर, वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर होगा, एक एब्सोल्यूट रूलर होगा, एक टायरेंट होगा, एक तानाशाह होगा। लेकिन ये जो तानाशाह होगा, ये जो डेस्पॉट होगा, ये डेमोक्रेटिक होगा। आज जब हम तानाशाहों की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, इस तरह के लोग। लेकिन ये लोग और मैकियावेली का प्रिंस जो है, ये सेम नहीं है, ठीक है? कैसे? क्योंकि मैकियावेली का जो डिस्पॉट होगा वो डेमोक्रेटिक होगा, और डेमोक्रेटिक डिस्पॉट का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर मैकियावेली एक और अजम्पशन ले रहे हैं। मैकियावेली कहते हैं कि हर सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटी है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो सोसाइटी का जो जनसंख्या होता है, जो लोग होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड होती है। सोसाइटी का जो एक हिस्सा होता है, वो हमेशा दूसरों को कमांड करना चाहता है, ऑप्रेस करना चाहता है, हमेशा वो शक्ति वाले स्थिति में होना चाहता है, सत्ता में होना चाहता है, उसे कमांड करना पसंद है, ऑप्रेस करना पसंद है। और ये लोग कौन है? सोसाइटी के नोबिलिटी, एलीट ग्रुप। आप देखोगे कुछ लोग होते हैं बाय नेचर जो हमेशा हमेशा पॉलिटिक्स में रहना चाहेंगे, हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहना चाहेंगे जहां से वो कमांड कर सके, ऑप्रेस कर सके। ये नोबिलिटी बनता है, अभिजन वर्ग समाज का, ये बहुत ही छोटा छोटी जनसंख्या होती है इनकी, नोबिलिटी, अभिजन वर्ग। और समाज का जो एक दूसरा हिस्सा होता है, वो कॉमन मैन से जो बनता है, वो लोग ना तो किसी को कमांड करना चाहते हैं, ना तो ऑप्रेस होना चाहते हैं, खुद किसी को वो कमांड भी नहीं करना चाहेंगे। दे नीदर वॉन्ट टू कमांड नॉर वॉन्ट टू बी ऑप्रेस्ड। ये है कॉमन पीपल, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। मैकियावेली कहते हैं कि अगर उनके प्रिंस को सत्ता चाहिए,
शासन उन्हें करना है, तो इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को उन्हें अपना सपोर्ट बेस बनाना होगा। प्रिंस चाहे नोबिलिटी को अपना सपोर्ट बेस बनाए या कॉमन पीपल को बनाए, क्योंकि किसी ना किसी का समर्थन तो प्रिंस को लेना ही होगा सत्ता में रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रिंस बिना किसी के समर्थन के पावर में आ जाए, ऐसा नहीं है। एक फिर एक रिवोल्ट होगा और प्रिंस को हटा दिया जाएगा। तो मैकियावेली कहते हैं कि जो मेरा प्रिंस है, जो मेरा राजा है, वो अपना सपोर्ट बेस किन्हें बनाएगा? वो या तो नोबिलिटी को बना सकता है या कॉमन पीपल को। लेकिन मैकियावेली कहते हैं नोबिलिटी जो है, अभिजन वर्ग जो है, जो एलीट ग्रुप है, वो क्योंकि ये जो नोबिलिटी है ये भी सत्ता में आना चाहती है, इनका भी मन है पावर को अटेन करना, इसलिए मैकियावेली कहते हैं कि ये डेंजरस होती है, रिलायबल नहीं होती है। दे आर मोर डेंजरस एंड लेस रिलायबल, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कॉमन पीपल है, ये सत्ता में आना नहीं चाहती, ये कमांड करना नहीं चाहती, ऑप्रेस करना नहीं चाहती, तो ये कम डेंजरस है। ठीक है, ये भी डेंजरस है, ये भी आपको आपको सत्ता से हटा सकती है, लेकिन कम है नोबिलिटी के कंपैरिजन, और ये ज़्यादा भरोसेमंद है। तो मैकियावेली कहते हैं कि जो उनका डिस्पॉट होगा, जो उनका प्रिंस होगा, वो कॉमन पीपल को अपना पावर बेस बनाएगा। मीन्स कि प्रिंस जो है वो अपना पावर, अपना अथॉरिटी कॉमन पीपल से डिराइव करेगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिस्पॉट। तो प्रिंस जो है मैकियावेली का, उसका दायित्व तो क्या होगा कि जो लोग हैं उसके अंतर्गत, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनका वो केयर करे, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करे, उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। जो प्रिंस है वो अपने मदरलैंड, अपनी जन्मभूमि से वो प्यार करे, जो उसका टेरिटरी है उससे प्यार करे, और स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। ये प्रिंस का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। लेकिन फिर मैकियावेली कहते हैं कि जो प्रिंस है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा पावर में आने के बाद, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रिंस के प्रिंस बन जाने के बाद, राजा के राजा बन जाने के बाद, पावर में आ जाने के बाद, जो प्रिंस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रिजर्वेशन ऑफ हिज स्टेट, अपने राज्य को संरक्षित करके रखना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। और प्रिजर्वेशन ऑफ हिज स्टेट का एक और मतलब है कि प्रिंस का दायित्व तो होगा कि वो राज्य को मेंटेन करके रखे, और साथ ही साथ वो अपनी शक्ति, अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन को भी मेंटेन करके रखे। ये प्रिंस का मेन ऑब्जेक्टिव होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ हिज स्टेट, राज्य को मेंटेन करके रखना, हर काम राज्य के लिए, और अपनी शक्ति, अपनी सत्ता को मेंटेन करके रखना। राज्य और प्रिंस की शक्ति, प्रिंस की सत्ता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ये प्रिंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और मैकियावेली यहां पर कहते हैं कि प्रिंस ये काम कैसे कर पाएगा? और मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस ये काम तभी कर पाएगा जब उसके भीतर एक सेट ऑफ क्वालिटी होगी, जिसे रेफर करते हैं मैकियावेली वियर टू से। वियर टू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्च्यू वर्ड नहीं है, ये वियर टू वर्ड है। वियर टू ये एक इटालियन शब्द है, वियर टू। अगर इसका रूट हम देखेंगे, रूट शब्द अगर निकालेंगे, तो इसका रूट शब्द है वीर, VIR, वीर। ठीक है, जिसका मतलब होता है मैन। तो वियर टू को अगर हम ट्रांसलेट करें, इसका एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकता इसका, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका मतलब होता है मैनलीनेस, पौरुष, हिंदी में पौरुष। तो अगर ये वियर्टू है प्रिंस के अंदर, ये क्वालिटी है, तो वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मैकियावेली कहते हैं कि जो प्रिंस है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, राज्य का संरक्षण, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता का संरक्षण करके रखना, यही प्रिंस का मेन ऑब्जेक्टिव है। और प्रिंस अपने इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेन कर पाएगा? दिस ये जो क्वालिटी है, वियर टू के क्वालिटी की वजह से वो अटेन कर पाएगा। वियर टू ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंस में। लगभग 60 बार, 60 टाइम्स इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं मैकियावेली अपनी किताब। 90 पेजेस की किताब है, 90 पेजेस की बुक है, जिसमें 60 टाइम्स इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज हर पेज में आपको एक बार ये वर्ड मिल जाएगा, वियर टू। तो वियर टू के होने की वजह से जो प्रिंस है वो अपना इस ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाएगा, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, राज्य को संरक्षित करके रखना। तो इस बिंदु में, इस पॉइंट में एक ऑब्वियस क्वेश्चन अराइज करती है कि ठीक है, प्रिंस का मेन ऑब्जेक्टिव है राज्य को संरक्षित करके रखना, लेकिन एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि राज्य को हमें संरक्षित करना है तो राज्य को खतरा कहां से है? राज्य को हमें बचाना है तो किसी चीज से बचाना होगा ना। राज्य, दैट मींस कि राज्य को खतरा है किन्हीं चीजों से,
थ्रेट है तभी तो हम उसके प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर थ्रेट नहीं होता तो प्रिजर्वेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट मीन्स प्रिंस के शक्ति को थ्रेट है कहीं से, उसकी सत्ता को थ्रेट है, खतरा है, इसीलिए हम प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो नया लिंक मिलता है वो है कि थ्रेट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, राज्य को, प्रिंस की शक्ति को, उसकी सत्ता को कहाँ कहाँ से खतरा है, मैकियावेली बोलते हैं कहाँ कहाँ से खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये पांच सोर्सेस जो है मैकियावेली देते हैं, ये पांच सोर्सेस हैं जहां से प्रिंस को, प्रिंस के पावर को, राज्य को, राज्य के स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। ये पांच सोर्सेस हैं जिन्हें हम एक एक करके डील करेंगे, फॉर्च्यूना, कन्वेंशनल मोरालिटी, नोबिलिटी, कॉमन पीपल, नेबरिंग स्टेट। और इन्हीं पांच सोर्सेस जहां से खतरा हो सकता है राज्य को और प्रिंस की शक्ति को, सत्ता को, इन इन खतरों से निपटने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, प्रिंस के भीतर जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो सेट ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए, उसे ही वीएटू कहते हैं। लेकिन मैकियावेली यहां पर कहते हैं कि वीएटू होना ही इनफ नहीं है। मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस को मेरे एडवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैकियावेली एडवाइस देते हैं प्रिंस को कि इन पांचों जो सोर्सेस हैं इनसे कैसे निपटा जाए, कैसे इन सोर्सेस से निपटा जाए और राज्य को संरक्षित करके रखा जाए। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सारे सोर्सेस को। तो पहला जो सोर्स है वो है फॉर्च्यूना। वीएटू के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द प्रिंस में, वो है फॉर्च्यूना। ये भी एक इटालियन वर्ड है जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं फॉर्च्यून या फेट, किस्मत, तकदीर, नसीब, कुछ भी कह लें। तो ये एक थ्रेट है, यहां से खतरा हो सकता है प्रिंस को, उसके पावर को, उसके शक्ति को और राज्य को, राज्य के स्टेबिलिटी को। मैकियावेली कहते हैं कि फॉर्च्यून जो है, किस्मत जो है, वो क्या है, वो कुछ अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टन इंसिडेंट्स है जो लाइफ में हो सकती है, कुछ घटनाएं जो कभी भी जीवन में हो सकती है जिन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्यों हुई, एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते। और जहां पर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहां पर एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, तकदीर ने ऐसा चाहा इसीलिए ये हो गया। किसी राजा की अचानक मृत्यु हो गई, किसी राजा के किसी नजदीकी मंत्री की अचानक मृत्यु हो गई, राज्य में संकट पैदा हो गया, आप किसे दोष दोगे? आप किसी को दोष नहीं दे सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप किस्मत को डायरेक्ट दोषी ठहराओगे कि तकदीर ने ऐसा किया। तो मैकियावेली कहते हैं कि ये अनसर्टन अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट्स जो लाइफ में घटती हैं, ये आपके लिए या तो अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगी या तो डिस्ट्रक्शन लेकर आएंगी। अवसर भी ला सकती हैं, जो फेट है वो आपके लिए अवसर भी ला सकती हैं और डिस्ट्रक्शन भी ला सकती हैं। ठीक है, तो प्रिंस के भीतर वो एबिलिटी होना चाहिए कि फॉर्च्यून जब जब अपॉर्चुनिटी लेकर आए तो प्रिंस उन अपॉर्चुनिटीज को, उन अवसरों को पहचान ले, उन्हें पकड़ ले और उनका यूज करें। ठीक है, ये एक बात है। लेकिन जब फॉर्च्यून जब डिस्ट्रक्शन लेकर आती है तब क्या होता है? मैकियावेली फॉर्च्यून को रिवर से कंपेयर करते हैं अपनी बुक द प्रिंस में। वो कहते हैं कि एक रिवर को देखिए, एक रिवर बाढ़ का रूप ले सकता है कभी भी, और अगर एक रिवर बाढ़ में तब्दील हो गया तो अपने अपने किनारों में, अपने अगल बगल जितने भी रीजन्स हैं उन्हें वो तबाह कर सकता है, घर को उजाड़ सकता है, पेड़ को गिरा सकता है, बहुत तबाही ला सकता है। रिवर जब एक बाढ़ का शक्ल ले ले, जब एक सैलाब का शक्ल ले ले। फिर मैकियावेली कहते हैं अपने प्रिंस से कि क्या रिवर के इस डिस्ट्रक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं? हम इसे प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बाढ़ को आने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन बाढ़ से जो होने वाला डिस्ट्रक्शन है उसे हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हम रिवर के चारों ओर दीवार खड़े कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, रिवर बाढ़ आने से पहले वहां उसके अगल बगल रह रहे लोगों को वहां से हटा सकते हैं, तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं। तो मैकियावेली यही कहते हैं कि फॉर्च्यून आपके लिए डिस्ट्रक्शन ला सकता है और आपको हमेशा तैयार रहना है उस डिस्ट्रक्शन के लिए। तो फॉर्च्यून इससे पहले आपके लिए कोई डिस्ट्रक्शन लाए, आप उस डिस्ट्रक्शन से निपटने के लिए तैयार रहें। फोरसाइटेडनेस, दूरदर्शिता होनी चाहिए प्रिंस के भीतर, और वीएटू यहां पर क्या है, दूरदर्शिता है। तो प्रिंस, मैकियावेली का ये कोटेशन देखिए, फॉर्च्यून इज द आर्बिटर ऑफ हाफ ऑफ आवर एक्शंस, द अदर हाफ रिमेनिंग इन आवर हैंड्स।
सिर्फ हमारी आधी गतिविधियों को तकदीर जो है वो नियंत्रित करता है, लेकिन जो बाकी की आधी गतिविधियां हैं वो हम खुद स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। ये कहना है मैकियावेली का फॉर्च्यून से रिलेटेड। जो दूसरा थ्रेट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कन्वेंशनल मोरालिटी, और यहीं से मैकियावेली की रियलिज्म शुरू शुरू होती है, यहीं से मैकियावेली की यथार्थवाद शुरू शुरू होती है, कन्वेंशनल मोरालिटी। तो कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता, ये कैसे एक थ्रेट है राजा प्रिंस के शक्ति के लिए, उसके सत्ता के लिए और राज्य के स्टेबिलिटी और संरक्षण के लिए कैसे एक थ्रेट है, इसे जानने से पहले हमें समझना होगा कि मोरालिटी का मतलब क्या होता है, नैतिकता का अर्थ क्या होता है। तो नैतिकता का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो नैतिकता हमें क्या कहती है, वो कहती है कि कुछ चीज़ें गुड होती है, कुछ चीज़ें बैड होती है, जो गुड होती है उन्हें हमें करना है, जो बैड होती है उन्हें करने से बचना है, यही है मोरालिटी। दैट मीन्स मोरालिटी मतलब है कि हम चीज़ों को, व्यवहार को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, गुड और बैड के, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है कि ये जो डिविजन है, इस डिविजन करने का आधार क्या है, किस आधार पे हम डिवीजन करते हैं, किस आधार पे हम किन्हीं चीज़ों को गुड कह देते हैं, किन्हीं व्यवहारों को गुड कहते हैं और किन्हीं को हम बैड कहते हैं। तो एक आधार की हमें ज़रूरत है, तो ये आधार क्या है, ये फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल है, जो मूल है, निश्चित मूल, निश्चित सिद्धांत जो है वो आधार है, और इन्हीं सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर हम विभाजन करते हैं चीज़ों का गुड और बैड के बीच। और ये जो सिद्धांत है, ये जो मूल्य है, ये कहाँ से आती हैं, ये आती हैं रिलीजन से, धर्म से, ऑब्वियसली बात है धर्म से ये आएंगी, क्योंकि धर्म हमें बताता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा और आपको पनिश करेगा। तो वहां एक डर है और उसी डर की वजह से हम इन प्रिंसिपल्स इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, और जो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की जो हमारे अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे भीतर वर्च्यूज है, गुण है। और मैकियावेली जिस समय से आते हैं तो उस समय के जो बाकी के कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स थे उनका मानना क्या था, उनका मानना ये था कि जो रूलर होगा, जो प्रिंस होगा, जो किंग होगा, उसे उसे इन मोरालिटी से, इन मोरालिटी को फॉलो करना होगा। जो किंग होगा, जो प्रिंस होगा, उसे वर्चुअस होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि प्रिंस भी मोरालिटी के इन प्रिंसिपल, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, और खुद ही फॉलो नहीं करेगा, अपनी जनता से भी फॉलो करवाएगा। रूलर शुड बी वर्चुअस, ये बात थी, ठीक है, उस वक्त के समय में ये बातें थी। मैकियावेली इस चीज से परेशान थे, वो कहते थे कि नहीं, ये गलत है, ये जो फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं, ये जो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे एक्शंस को गवर्न करती हैं, डिवाइड करती हैं गुड और बैड में, ये ऑब्स्टिकल की तरह काम करती है। अगर प्रिंस को लगता है कि इस पर्टिकुलर काम को करके, दैट मीन्स किसी की हत्या करके वो अपने शक्ति को, अपनी सत्ता को बचा सकता है, अपने राज्य को संरक्षित कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकता है, तो प्रिंस को वो कौन सी चीज है जो एक उस व्यक्ति की हत्या करने से रोक रही है, वो है मोरालिटी। प्रिंस अगर हत्या नहीं करता तो बाद में क्या होगा, प्रिंस की शक्ति चली जाएगी, उसकी सत्ता चली जाएगी, राज्य का स्टेबिलिटी नष्ट हो जाएगा। तो मैकियावेली कहते हैं कि नहीं, जरूरत पड़े तो मोरालिटी के अगेंस्ट जाना चाहिए। यहां पर मैकियावेली लॉ ऑफ नेसेसिटी देते हैं, अपनी लॉ ऑफ नेसेसिटी, कि आवश्यकता पड़ने पर प्रिंस को मोरालिटी के अगेंस्ट जाना चाहिए। अगर प्रिंस को लगता है कि वह मोरालिटी के अगेंस्ट जाकर अपनी शक्ति, अपनी सत्ता को बचा के रख सकता है तो वो जाना चाहिए, उसे उस वक्त मोरालिटी को इग्नोर कर देना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस के लिए वर्चुअस होना जरूरी नहीं है, प्रिंस के लिए इफेक्टिव होना जरूरी है। इफेक्टिव का मतलब है कि प्रिंस के भीतर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने रिजल्ट को वो अचीव करे। यहीं से बात आती है कि एंड जस्टिफाइज द मीन। मैकियावेली ने ऐसा स्पष्ट रूप से अपनी किताब में कहीं नहीं कहा कि एंड जस्टिफाइज द मीन, हम बाद में इस कोटेशन को उनसे जोड़कर देखते हैं, लेकिन मैकियावेली ने ऐसा कहीं नहीं कहा, लेकिन उनका कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है कि आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है, मींस के ऊपर नहीं, किसी तरह भी आप अचीव करें लेकिन आपको उस रिजल्ट को अचीव करना है, यही मैकियावेली कहते हैं अपने प्रिंस से। तो मैकियावेली एक इंस्ट्रूमेंटल व्यू ले रहे हैं वर्च्यूज का, गुणों का, एक इंस्ट्रूमेंटल व्यू। इंस्ट्रूमेंटल व्यू का मतलब क्या है कि वर्च्यूज को वो
फेंक नहीं दे रहे हैं कहीं पे, दरकिनार नहीं कर रहे हैं। मैकियावेली ये नहीं कहते अपने प्रिंस से कि तुम वर्च्यूज को पूरी तरह से भूल जाओ, नेग्लेक्ट कर जो, एकदम विशियस बन जाओ। नहीं, मैकियावेली कहते हैं वर्च्यूज को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लो। किसी भी वर्च्यू को फॉलो करने से पहले एक क्वेश्चन पूछो कि क्या ये मेरी मदद करेगी, मेरी शक्ति को, मेरी सत्ता को बनाए रखने में, मेरे राज्य को संरक्षित रखने में, क्या ये वर्च्यू मेरी मदद करेगी? अगर हाँ तो फॉलो करो, नहीं तो फिर फॉलो मत करो। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल व्यू एट वर्च्यू। ठीक है, तो मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस जो है वो मोरालिटी से ऊपर होता है, जो कॉन्वेंशनल मोरालिटी उससे ऊपर होता है, क्योंकि प्रिंस खुद मोरालिटी को क्रिएट कर सकता है कानून बना के। ठीक है, और यहां पर मैकियावेली एडवोकेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ईवल मीन्स का, कि वो कहते हैं कि प्रिंस को अगर चाहे तो वो चीटिंग, मर्डर, डिसीविंग, किसी भी तरह के ईवल मीन्स को वो यूज कर सकता है अपने अपनी अपनी राज्य को प्रिजर्व करके रखने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहां पर एम्फसाइज करना चाहूंगा, डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। मैकियावेली जो चीजें प्रिंस के लिए कह रहे हैं वो कॉमन पीपल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम वो कहते हैं कि ये जो कॉमन पीपल है ये इंस्ट्रूमेंटल व्यू नहीं रखेगी वर्च्यूज के लिए। ठीक है, दो अलग अलग मोरालिटी है, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के लिए अलग अलग मोरालिटी है। मैकियावेली कहते हैं कि पब्लिक लाइफ जो है, प्रिंस जो है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, उसे अपने शक्ति को बनाए रखना है, उसे राज्य को संरक्षित करके रखना है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, इसीलिए उसके लिए मोरालिटी का स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन जो कॉमन पीपल है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक परिवार का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि परिवार को एकजुट रहना है। तो अगर परिवार के लोग मैकियावेली के इन प्रिंसिपल्स पर बिलीव करने लगे, झूठ बोलने लगे, चीटिंग करने लगे, डिसीव करने लगे, तो परिवार कभी एकजुट नहीं रह पाएगा। तो मैकियावेली कहते हैं कि ये मोरालिटी जो है प्रिंस के लिए अलग है और कॉमन पीपल के लिए अलग है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप का ऑब्जेक्टिव अलग है। ऑब्जेक्टिव अलग होने के कारण मोरालिटी अलग अलग है। तो ये बात हमें समझनी होगी। मैकियावेली हमें नहीं कहते हैं कि आप कोई भी मीन्स एंड जस्टिफाइज द मीन, ये बात मैकियावेली कॉमन पीपल से नहीं कहते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस से कहते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है मैकियावेली से जुड़ी हुई, जिसे हमें दूर करना है। अगर हम मैकियावेली को अच्छे से समझेंगे तो ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगी। एक कोटेशन देखते हैं मैकियावेली का, जिससे बातें और क्लियर हो जाएगी। मैकियावेली कहते हैं कि इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट अ प्रिंस कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल ऑफ दोज वर्च्यूज फॉर विच मैन आर रेप्यूटेड गुड, बिकॉज इट इज ऑफन नेसेसरी टू एक्ट अगेंस्ट मर्सी, अगेंस्ट फेथ, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट फ्रैंकनेस, अगेंस्ट रिलीजन, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्टेट। ओके, ही मस्ट स्टिक टू द गुड सो लॉन्ग एज ही कैन, बट बींग कंपेल्ड बाई नेसेसिटी ही मस्ट बी रेडी टू टेक द वे ऑफ ईवल। मैकियावेली कहते हैं कि सारे जो गुडनेस है, वर्च्यूज है, उन्हें ऑब्जर्व करना, उन्हें फॉलो करना अच्छी बात है, अच्छी बात है, राजा के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अगर जरूरत पड़े, राजा को अगर जरूरत पड़े, तो वो इन अच्छी बातों के अगेंस्ट जा सकता है, मोरालिटी, मर्सी, ह्यूमैनिटी, इन सब के अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो प्रिंस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? राज्य को प्रिजर्व करके रखना। वो अपने पर्सनल गेन के वजह से इन मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। वो तभी जा सकता है जब जरूरत पड़े, राज्य का संरक्षण करने की जब जरूरत पड़े तभी वो जा सकता है। और अगर जरूरत नहीं पड़े तो अब जो प्रिंस है वो ये जो मोरालिटी है उसको वो फॉलो करेगा, स्टिक करके रहेगा। यहां पर एक और बात कहते हैं मैकियावेली, हाउ नॉट टू बी गुड। अपने प्रिंस को वो एडवाइस दे रहे हैं कि अच्छा कैसे नहीं बना जाए, ये बताते हैं मैकियावेली अपने प्रिंस को। मैकियावेली कहते हैं एनी मैन हु ट्राइज टू बी गुड ऑल द टाइम इज बाउंड टू कम टू रून अमंग द ग्रेट नंबर्स हु आर नॉट गुड। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा अच्छा बन के रहने की कोशिश करता है उसका डिस्ट्रक्शन होगा वैसे लोगों के बीच जो कि अच्छे नहीं है। ठीक है, तो मैकियावेली ने हमें पहले ही बताया कि मैन बाई नेचर आर नॉट गुड। तो इस तरह के लोगों के बीच में एक व्यक्ति अगर अच्छा बन के रहना चाहे तो वो अपने डिस्ट्रक्शन को बुला रहा है। इसलिए मैकियावेली कहते हैं अपने प्रिंस से कि हैंस अ प्रिंस हु वांट्स टू कीप हिज अथॉरिटी मस्ट लर्न हाउ नॉट टू बी गुड। तो एक राजा अगर अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहता है तो उसे सीखना होगा कि वो अच्छा कैसे नहीं बने, और अपने इस नॉलेज को वो यूज करे जरूरत पड़ने पर, या इसे यूज नहीं करे, ये प्रिंस के ऊपर है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कन्वेंशनल मोरालिटी को। अब जो दो और थ्रेट हैं प्रिंस के पावर, उसके शक्ति सत्ता के लिए
और स्टेट के स्टेबिलिटी के लिए, वो है नोबिलिटी और कॉमन पीपल। तो नोबिलिटी थ्रेट कैसे हो सकता है? नोबिलिटी एलीट अभिजन वर्ग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोबिलिटी जो है, ये जो अभिजन वर्ग है, ये प्रिंस के काफ़ी क्लोज हैं, और प्रिंस के क्लोज होने की वजह से ये शक्ति के काफ़ी क्लोज है, सत्ता के काफ़ी नज़दीक है। तो इनके मन में हमेशा एक महत्वाकांक्षा रहती है कि पावर में आया जाए, और इसी महत्वाकांक्षा के आधार पर ये जो है, ये कभी षड्यंत्र करते हैं, कभी प्रिंस के एनिमीज़ के साथ ये कॉल्यूड कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच सकते हैं प्रिंस को हटाने के लिए, उसे मारने के लिए। तो प्रिंस को ज़रूरत है कि ये जो अभिजन वर्ग है, इनकी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करके रखना, कीप देयर एम्बिशन अंडर कंट्रोल, ये ज़रूरत है प्रिंस को, ये करना है, ठीक है। कैसे करा जाएगा ये हम आगे देखेंगे। कॉमन पीपल भी थ्रेट हो सकता है। कॉमन पीपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रिंस के लिए सपोर्ट बेस का काम करती है, और कॉमन पीपल ये कभी भी रेबल कर सकती है प्रिंस के अगेंस्ट और उसे टॉपल कर सकती है। तो प्रिंस को किस चीज़ की ज़रूरत है कि इन कॉमन पीपल को हमेशा सेटिस्फाइड रखें और स्ट्यूपिफाइड रखें। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, और स्ट्यूपिफाइड मतलब अचंभित। अचंभित, लोग अचंभित होते हैं, अमेज्ड होते हैं दो सिचुएशन में, बहुत ही खुशी के सिचुएशन में और बहुत ही भय के सिचुएशन में, फियर के सिचुएशन में। तो यहाँ पर मैं क्या बोली, फियर वाले सिचुएशन की बात कर रहे हैं, स्ट्यूपिफाइड, ठीक है। कैसे, आगे देखेंगे। पहले देखते हैं एलीट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इनके एम्बिशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं क्या बोली, बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं कि यदि प्रिंस को लगता है कि कोई एलीट का, अभिजन वर्ग का कोई सदस्य उसके अगेंस्ट कोई साजिश कर रहा है, अभिजन वर्ग के किसी सदस्य के ऊपर उसे शक होता है प्रिंस को कि ये खतरा है, तो उस व्यक्ति को प्रिंस इस तरह से ट्रीट करे कि वो दोबारा राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लायक ना बचे। देखिए वो कोटेशन में लिखते हैं, मैन ऑट ईदर टू बी ट्रीटेड वेल और क्रश्ड। लोगों के साथ हम या तो अच्छे तरीके से व्यवहार करें या तो उन्हें हम पूरा क्रश कर दें। बिकॉज दे कैन अवेंज देमसेल्फ ऑफ लाइटर इंजरीज ऑफ मोर सीरियस वन, दे कैन नॉट। यदि हमें किसी को नुकसान पहुंचाना ही है तो उसे इतना नुकसान पहुंचाया जाए, इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो दोबारा कभी आपसे बदला लेने की स्थिति में ना रहे। देयरफॉर द इंजरी दैट इज टू बी डन टू अ मैन ऑट टू बी ऑफ सच अ काइंड दैट वन डज नॉट स्टैंड इन द फियर ऑफ रिवेंज। तो यदि राजा को किसी के विरुद्ध एक्शन लेना है तो उसे इतना कड़ा एक्शन लेना होगा कि वो जो व्यक्ति है वो कभी भी दोबारा इस पोजीशन में ना आ पाए कि उसने जो गलती किया है वो दोबारा उस गलती को दोहरा सके, रिवेंज ले सके। तो ये एक एडवाइस है जो मैकियावेली ऑफर करते हैं प्रिंस को। जो दूसरा एडवाइस है वो कहते हैं मैकियावेली कि प्रिंस के भीतर लायन और फॉक्स, इन दोनों की क्वालिटी होनी चाहिए। लायन की तरह भी उसे होना चाहिए और फॉक्स की तरह भी उसे होना चाहिए। लायन सिंबलाइज करता है करेज को, स्ट्रेंथ को, फॉक्स कनिंगनेस, चतुराई, ठीक है। तो मैकियावेली यहां पे कहते हैं कि एक प्रिंस को स्ट्रेंथ, करेजियस भी होना चाहिए, स्ट्रांग भी होना चाहिए और चतुर भी होना चाहिए। सिर्फ स्ट्रांग हो, चतुर ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ चतुर हो, स्ट्रांग ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों, देखिए उनके कोटेशन को, द लायन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स। One must therefore be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolf. एक शेर, भले उसके अंदर करेज है, साहस है, शक्ति है, लेकिन वो अपने लिए बिछाए गए जाल को नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसमें चतुराई नहीं है। उसी तरह एक फॉक्स, एक लोमड़ी, जिसके अंदर चतुराई है लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो जंगल के दूसरे जानवरों को डरा सके, ठीक है। इसीलिए राजा के भीतर साहस भी होना चाहिए ताकि वो सॉरी राजा के भीतर चतुराई भी होनी चाहिए ताकि वो अपने लिए रचे जा रहे षड्यंत्रों को पहचान सके, और उसके भीतर साहस भी होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए ताकि वो अपने विरोधियों की, अपने शत्रुओं को अपने शक्ति से डरा सके, उन्हें खत्म कर सके, ठीक है। कॉमन पीपल तीसरा जो थ्रेट है, कॉमन पीपल, आम व्यक्ति, आम जनता। जैसे कि हमने देखा कि कॉमन पीपल जो है प्रिंस का पावर बेस होता है, और ये चाहे तो प्रिंस को उसके सत्ता से हटा सकता है, रिबल करके, विद्रोह करके।
तो जरूरत है प्रिंस को कि इन्हें सेटिस्फाइड और स्टूपिफाइड रखने के लिए। तो एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि प्रिंस और कॉमन पीपल के बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, किस आधार पर ये बेस्ड होना चाहिए, लव या फियर। मैकियावेली कहते हैं इट इज बेटर टू बी फियर देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। अच्छा होगा प्रिंस के लिए अगर उसकी जनता उससे प्यार भी करे और उससे भयभीत भी रहे। लेकिन भयभीत भी रहे और प्यार भी करे, ये दोनों चीजों को एक साथ अटेंड करना ये बहुत ही मुश्किल है। तो अगर इन दोनों में से चुनना पड़े प्रिंस को कि उसकी जनता उससे प्यार करे या भयभीत रहे, उसे डरे, तो प्रिंस को हमेशा चुनना चाहिए क्या कि उसकी जनता हमेशा उससे डरे। मैकियावेली कहते हैं कि जो रिलेशनशिप होगा प्रिंस और पीपल के बीच में वो फियर पे बेस्ड होगा, क्योंकि फियर जो है वो परमानेंट है, लव जो है वो टेम्पररी होता है। हम जिससे प्यार करते हैं उसे हम ऑफेंड करने के बारे में, जब हमें उन्हें ऑफेंड करना होता है तो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं वो रिटेलिएट तो करेगा नहीं, हम जानते हैं। लेकिन जिनसे हम डरते हैं उन्हें ऑफेंड करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर उन्हें हम ऑफेंड किए तो वो हमें पनिश करेंगे और कोई भी पनिश्ड होना नहीं चाहता। ठीक है, समझ में आया। तो ये बात है, फियर परमानेंट है, पनिशमेंट का डर है फियर में, लव टेम्पररी है, वहां कोई डर नहीं है पनिशमेंट का या हर्ट होने का, कोई डर नहीं है, अपने विल पर बेस्ड है लव। आप किसी भी प्यार के रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन फियर का जो रिश्ता है उसे आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उस रिश्ते को आपने तोड़ा तो आपको पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा और कोई भी पनिश होना नहीं चाहता। तो राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध है वो भय पर आधारित होना चाहिए, फियर पर बेस्ड होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैकियावेली अपने प्रिंस को एडवाइस करते हैं, उन्हें वार्न करते हैं, उन्हें बताते हैं कि इट इज़ गुड टू बी फियर्ड बाय योर पीपल बट नेवर बी हेटेड बाय देम। आपकी जनता आपसे डर रही है ये अलग बात है, लेकिन आपकी जनता जब आपसे घृणा करने लगे, आपको हेट करने लगे, तो आप सत्ता में नहीं रह सकते, तब आपकी सत्ता, आपकी शक्ति सब छिन जाएगी। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आने मत दीजिए कि आपकी जनता आपसे घृणा करने लगे। और इसके लिए मैकियावेली क्या कहते हैं प्रिंस को, कि प्रिंस को कभी भी आम जनता की प्राइवेट प्रॉपर्टी को टच नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत प्रिय होती है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति। प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ एक व्यक्ति के स्त्री को भी आपको कभी टच नहीं करना है, ये एडवाइस देते हैं मैकियावेली अपने प्रिंस को। ठीक है, और मैकियावेली ये भी कहते हैं कि प्रिंस को अगर ज़रूरत पड़े वायलेंस और क्रुएलिटी का इस्तेमाल करने की तो वो कर सकता है, अपने जनता को वो कंट्रोल में रखने के लिए अगर उसे थोड़ी बहुत वायलेंस करने की ज़रूरत पड़े, हिंसा करने की ज़रूरत पड़े जनता के किसी एक ग्रुप के साथ, तो वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैकियावेली कहते हैं कि अगर हम 10 लोगों के साथ हिंसा करते हैं और पूरे एक समाज में होने वाले हिंसा को रोक सकते हैं, तो उन 10 लोगों के साथ आप हिंसा कर रही है, कोई आपको वहाँ पे रोकेगा नहीं। तो वायलेंस शुड बी डन टू प्रिवेंट ग्रेटर वायलेंस। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कर्फ्यू वगैरह जब लगता है तो समाज के कुछ गिने चुने लोगों को हम जेल में डाल देते हैं, उन्हें पीटते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, क्यों, ताकि जो पूरा का पूरा समाज है वो स्टेबल रह सके। तो पूरे के पूरे समाज को स्टेबल रखने के लिए कुछ लोगों के साथ अगर हमें वायलेंस करना पड़े, क्रूअल होना पड़े, तो हम हो सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा बात यहाँ पर प्रिंस कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस को अपने अपीयरेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दैट मीन्स कि वो कैसा दिखता है जनता के सामने, वो एक्चुअली में कैसा है, ये उतना मैटर नहीं करता। प्रिंस भले ही बहुत क्रूअल हो, बहुत नास्टी हो, बहुत अंदर से मतलब सही नहीं हो, लेकिन जनता को उसे शो करना है कि वो बहुत जेनरस है, बहुत मर्सीफुल है, बहुत गुड है, ऐसा शो करना है। मैकियावेली कहते हैं कि मेन जज जनरली मोर बाय द आई देन बाय द हैंड, फॉर एवरीवन कैन सी एंड फ्यू कैन फील, एवरी सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू रियली नो व्हाट यू रियली आर। दिखावा, यहाँ पर एडवाइस दे रहे, देखिए कितनी खूबसूरती से मैकियावेली ने मॉब साइकोलॉजी को समझा है। वो कहते हैं कि प्रिंस को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो कैसा दिख रहा है जनता के सामने, एक्चुअली में वो कैसा है। नहीं, आज की पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है, हर पॉलिटिशियन करप्ट है, लेकिन वो जनता के सामने कैसा अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वो पूरा तरह से पाक साफ है, उसने कभी अपने जीवन में कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो ये है रियल पॉलिटिक्स मैकियावेली की। जो लास्ट
थ्रेट है, नेबरिंग स्टेट्स ऑब्वियस सी बात है, जो राज्य है उसके जो पड़ोसी राज्य मुल्क है, राज्य है सॉरी, वो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और इससे राजा प्रिंस की शक्ति को, सत्ता और स्टेट के स्टेबिलिटी को थ्रेट हो सकता है। तो हमेशा प्रिंस की का जरूरत है कि वो हमेशा वॉर के लिए तैयार रहे, युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार रहे। मैकियावेली कहते हैं कि अ प्रिंस मस्ट नॉट हैव एनी अदर ऑब्जेक्ट नॉर एनी अदर थॉट बट वॉर, इट्स इंस्टीट्यूशन एंड इट्स डिसिप्लिन, बिकॉज दैट इज द ओनली आर्ट बी फिटिंग वन हु कमांड्स। तो प्रिंस के दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहनी चाहिए कि युद्ध, युद्ध के लिए उसे हमेशा तैयार रहना होगा। यही वो कला है जिसमें प्रिंस को, राजा को पारंगत हासिल करनी है। ठीक है, यदि युद्ध नहीं भी हो रहा है, शांति की स्थिति है, उस स्थिति में भी राजा को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयारी करनी होगी युद्ध के लिए। और मैकियावेली यहां पर एक और बात कहते हैं कि एक राजा को सिटीजन आर्मी बिल्ड करनी चाहिए, मर्सिनरी सोल्जर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मर्सिनरी सोल्जर का मतलब है भाड़े के, जो हायर करते हैं हम, जिन्हें भाड़े में जिन्हें हम हायर करते हैं, जिन्हें हम रखते हैं, रिक्रूट करते हैं आर्मी सोल्जर्स को। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात कर ले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में थी तो उनका खुद का एक आर्मी था, और उस आर्मी में जो अधिकांश लोग थे वो खुद इंडियंस थे, इंडियंस को ही वो इंडियंस से लड़ाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें वो उन्हें हायर करते थे, उन्हें काम देते थे सोल्जर्स के रूप में। तो मैकियावेली कहते हैं कि मर्सिनरी सोल्जर्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं। आज आप उन्हें पैसा दे रहे हैं तो आपके लिए लॉयल है, कल आपका एनिमी उन्हें ज्यादा पैसे देगा तो वो उसके तरफ हो जाएंगे। लेकिन सिटीजन जो होता है वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है। आज आप किसी सोल्जर्स के पास चले जाए, किसी इंडियन आर्मी के पास चले जाए, उनसे पूछे कि आप देश की सरहद पर लड़ते क्यों हो, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ, वो कहेगा मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है इसलिए मैं लड़ता हूँ। तो ये है सिटीजन आर्मी। ठीक है, तो मैकियावेली सिटीजन आर्मी को सपोर्ट करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो एक प्रिंस को अपना सिटीजन आर्मी बनाना चाहिए। तो ये था मैकियावेली, ये मैकियावेली थी, पूरा का पूरा मैकियावेली जो है ये मैंने आपको समझा दिया। एक एनालिसिस करते हैं, छोटी सी एनालिसिस। तो मैकियावेली का इफेक्ट क्या हुआ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में? तो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने सबसे पहले रिलीजन और एथिक्स को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया, अलग करके देखा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम रिलीजियस और एथिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज नहीं करेंगे, जब हमें पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो वहां पर हम रिलीजन और एथिक्स को यूज नहीं करेंगे, एथिक्स और रिलीजन पॉलिटिक्स के स्फीयर से बाहर है। ये मैकियावेली ने कहा, क्यों? हमने देखा जब हमने कन्वेंशनल मोरालिटी को समझा। मैकियावेली जिस पीरियड से आते हैं, जिस कालखंड से वो बिलोंग करते हैं, वो रिनेसांस का दौर था, इसीलिए मैकियावेली को एक रिनेसांस मैन भी कहते हैं, क्योंकि उनके भीतर वो सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं, उनकी पद्धति में हमें सारे गुण देखने को मिलते हैं। तो रिनेसांस जो पीरियड था उसमें ये तीन क्वालिटीज थी हर एक रिनेसांस मैन के भीतर, स्केप्टिकल, सेक्युलर एंड लव फॉर एंटीक्विटी। स्केप्टिकल मतलब जो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन है उन्हें क्वेश्चन करना, उन्हें क्वेश्चन करना। सेक्युलर यानी कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना तो उसमें भगवान का सहारा नहीं लेना। सेक्युलर का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो हम एक्सप्लेन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसके साइंटिफिकली हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती है, गुरुत्वाकर्षण है उसके वजह से पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पे, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। अगर हम इसमें रिलीजियस रिलीजन को इंसर्ट कर दें तो बात होगी क्या, पृथ्वी घूमती है क्योंकि ईश्वर इसे घुमा रहा है, इस तरह का। तो ये बात है। तो सेक्युलर होना मतलब अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपने एक्सप्लेनेशन में डिवाइनिटी को, रिलीजन को बाहर कर देना। तो ये रिनेसांस का एक कैरेक्टरिस्टिक था, और मैकियावेली के अप्रोच में हमें ये बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, लव ऑफ एंटीक्विटी। देखिए, मैकियावेली जिस समय से बिलोंग करते थे वो मिडिल एजेस का एंड हो रहा था उस वक्त, तो लगभग 8th सेंचुरी AD से 15th सेंचुरी तक के पीरियड को हम मिडिल एज मानते हैं। और मिडिल एज में क्या था कि लोग कोई भी एक्सप्लेनेशन देते, कुछ भी वो कहते, हर चीज का एक रिलीजियस मीनिंग हुआ करता था। लेकिन एंशियंट पीरियड में ऐसा नहीं था, एंशियंट पीरियड में ऐसा नहीं था, एंशियंट पीरियड में मोनोथियिज्म नहीं थी। मोनोथियिज्म, मोनोथियिज्म मतलब एक रिलीजन, ठीक है, मल्टीथियिज्म थी। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि एंशियंट पीरियड में ऐसा नहीं था। तो लव ऑफ एंटीक्विटी का मतलब है कि एंशियंट पीरियड्स में जो बुक्स लिखी गई लैटिन और ग्रीक में, उन किताबों को पढ़कर
अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समझना। तो मैकियावेली ने भी काफ़ी काफ़ी एंशंट टेक्स्ट का स्टडी किया, वो बोरो करते हैं बहुत सी चीज़ों और फिर उन्हें वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए उन्हें रेनेसांस मैन कहा जाता है। उसके बाद एम्पिरिसिज्म और ऑब्जर्वेशन को एक मेथड ऑफ स्टडी बनाया मैकियावेली ने, और इसीलिए कभी कभी उन्हें एक सबसे पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को एम्पिरिसिज्म ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड किया, फैक्ट्स पर बेस्ड किया, क्या दिखता है क्या है इस पर बेस्ड किया, क्या होना चाहिए इसकी बात नहीं की, ठीक है। लेकिन मैकियावेली का मेथड पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं था, भले वो एम्पिरिकल था, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, हिस्टोरिकल मेथड वो यूज़ करते हैं, हिस्ट्री से बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो उठाते हैं और उन एग्जाम्पल्स के मदद करके यूज़ करके वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं था। क्यों? क्योंकि मैकियावेली कोई थ्योरी नहीं देते, कोई कोई एक्जियम, कोई रूल, कोई थ्योरी नहीं देते, और अपनी थ्योरी को वो टेस्ट करने की बात नहीं करते, तो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली साइंटिफिक। और आज के समय में मैकियावेली ने जितनी भी बातें कही रियल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कंपैरिजन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लैक ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी, कोई एक केंद्रकृत सत्ता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, हर देश स्वतंत्र है। ये सिचुएशन एकदम रिजेंबल करता है इटली के 15th सेंचुरी के सिचुएशन की तरह, जहाँ पर सिटी स्टेट्स थे, इटली डिवाइडेड थी डिफरेंट सिटी स्टेट्स में, और हर सिटी स्टेट संप्रभु था, अपना मदद खुद करने के लिए रेडी था। तो ये बात है कि जो मैकियावेली की जो टीचिंग्स है उन्हें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मैकियावेली। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको मैकियावेली पूरी तरह से समझाया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।